देखो ये सर्जरी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं नहीं ले सकता और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा? तुम कैसे कह सकते हो अहमद, तुम मुझे यहाँ आयशा की खातिर लेकर आए। मैंने हर जगह कोशिश की है, मेरे लिए कहीं वेकेंसी नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही और इतने अरसे तक मैं ही तो घर चला रही थी। अरे तो हर बार ऐसे मत बोला करो जैसे तुम्हें एहसान कर रही थी। कर्म सद में लोग एक दूसरे के काम आते ही हैं ना, और तुम भी तो यही रहती हो। करो ना कोशिश, अप्लाई करो जॉब के लिए। यार 10 जगह किया तो हुआ है और कोशिश में करता रहता हूँ, तुम जानती हो। अब मेरा एक बार कोई काम बन जाए, शुरू हो जाए, तो जब भी पैसे आते सबको देता हूँ ना, तुम्हें भी दूंगा जो तुम्हें चाहिए। इतना आजिज क्यों आ रहे हो? अरे मैं आजिज नहीं आ रहा हूँ यार, मैं बस परेशान हूँ कि देखो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए भी तो अप्लाई किया है, तुम्हें बताया था मैंने, और बहुत ही अच्छी नौकरी आई एम श्योर तुम्हें मिल जाएगी। अब मैं घर नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ आयशा को देखूंगी। तुम ये बात रियलाइज नहीं कर रहे कि आयशा को इस वक्त मेरी जरूरत है। अच्छा मैं समझ, छू तुम्हें बुखार है? मैं दवा ले लूंगी। ले लूंगी का क्या मतलब होता है? तुम रुको मैं लेके आता हूं।